हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाने जा रहे हैं आलू का पराठा। वैसे नॉर्थ इंडिया में आपको पता है आलू पराठे बहुत ही फेमस हैं, तो आज हम इजी सा आलू का पराठा सीखेंगे। इसके लिए हमने एक बॉइल्ड आलू ले लिया है, इसे हम अच्छी तरह से मैश करेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे एक कटी हुई हरी मिर्च, चॉप किया हुआ हमारा अदरक। अब हम ऐड करेंगे मसाले। इसमें सबसे पहले हम ऐड करेंगे गरम मसाला, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और नमक स्वाद अनुसार। अब हम इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से आलू में मैश कर लेंगे, एकदम बारीक कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए, ये हमारे आलू जो है वो रेडी हो गए हैं। अब हम यहाँ पे आटा ले लेते हैं। सबसे पहले एक लोई बना लेते हैं आटे की और इसको इस तरह से थोड़ा सा रोटी जैसा बेल लेते हैं। पहले थोड़ी छोटी रोटी टाइप बेल लेते हैं। फ्रेंड्स इसमें फिल करेंगे ये जो हमने मटेरियल आलू का बनाया था उसे। हमें सारा आलू ऐड कर देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि जो ज़्यादा स्टफ वाले पराठे होते हैं वो बहुत टेस्टी लगते हैं। अब हम इसे धीरे धीरे बंद करेंगे। इस तरह से फ्रेंड्स ये हमारा अच्छी तरीके से पैक हो जाना चाहिए। इस पे हम थोड़ा सा सूखा आटा लगाएंगे। एकदम हल्के हाथों से आप इसे धीरे धीरे बेल लीजिए। अब यहाँ पे हमने तवे को गर्म कर दिया है फ्रेंड्स। अब इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे देसी घी। इस पराठे को हम शिफ्ट करेंगे तवे पे। अब इस पराठे को हमें दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेकना है फ्रेंड्स, एकदम करारे करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारा पराठा बनके रेडी हो गया है। अब हम इसे सर्व करने के लिए प्लेट में उतार देते हैं। गर्मा गर्म आलू का पराठा बनके तैयार है।